Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. तो आप सोच रहे हो कि हम भाग कर अभी इतना सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं बिना बताए, तो चलिए हम आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। टाइम का कमी है गाइस, सब मेरे इंतजार कर रहे हैं। कोई यात्रा नहीं है आज, डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है। तो हम लोग खगड़िया से मधुपुरा जा रहे हैं जो कि यहाँ से 123 किलोमीटर के आसपास में, और हम लोग को जाने में कम से कम भी 3 घंटा लगेगा। मधुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद बहुत सारा इंडिविजुअल मीटिंग है। पिंकू भैया इस समय का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ग्रुप में एक आदमी होता ही है जो पूरा रास्ता सो के गुजारता है, जैसे कि हमारे पिंकू भैया। रास्ता इतना ज्यादा लंबा है, एटलीस्ट 3-3.5 घंटे गाड़ी में रहना है, तो क्यों ना सो के ही गुजारते हैं। लास्ट टाइम हम लोग सहरसा भी गए थे तो इसी ब्रिज से होते हुए गए थे, और अब मधेपुरा भी जा रहे तो बीच में ये ब्रिज मिल ही रहा। ठीक ना आपको पिंकू भाई, क्या नदी में सुबह सुबह निकलने का एक ही फायदा है कि पूरा खाली रोड रहता है, तो जहाँ भी जाना हो टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, पूरा रोड खाली है। तो गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेटअप ही रेडी हो रहा है, पत्रकार को मैनेज करने में लगे हैं। पूरा हाईवे रोड कहीं खराब मिला नहीं हमको, जिसके कारण टाइम से पहले पहुंच गए। पहले जो डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में हम लोग गए थे उसमें बहुत ही खराब रोड था, जिसके कारण बहुत लेट हुआ था। पहले वाला जो एडवेंचर ब्लॉग था वो अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे, वो भी देख लीजिएगा। कैसे ही दिन का शुरुआत होता है हमारा, इनका तो हमसे ज्यादा। मारो निशाना मत। ओ वाव, क्या क्या नाम है तुम्हारा? बादल। पढ़ते नहीं हो? नहीं। वाह, ये है तुम्हारे पास? नहीं, ये बाल में क्या करवाए हो तुम? केस रंगला है। क्या रंगली है? क्या क्या बोल रहा है? कलर किया रंगली है। बिहार में जो लोग खेती करते हैं उस खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए, ये बिहार के हर पंचायत के लिए योजना बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तो नाश्ता जरूरी है। कितना मीटिंग है आज? नीतीश बाबू 2020 में चुनाव हार गए हैं, 242 के विधानसभा में खाली 42 विधायक है, फिर भी कभी कमल को पकड़ के कभी लालटेन को लटक के कोई न कोई जुगाड़ लगा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूथ क्लब और ब्लॉक कमेटी का मीटिंग तीनों खत्म हो गया, सिर्फ इंडिविजुअल मीटिंग है। यहाँ भी खाने के लिए लंबा लाइन लगा हुआ है। सब लोग खा रहे हैं गाइस, आज का खाना तो देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। इंटरव्यू तो फाइनली सारा मीटिंग खत्म हो गया था, लेकिन फिर से एक मीटिंग स्टार्ट हो गया, फिर से एक मीटिंग शेड्यूल हो गया है। अब उसमें भी एक घंटा तो जरूर लगेगा, होटल जाने में कम से कम आज भी 11 या 11:30 हो ही जाएगा। अभी 9:20 हो रहा है, अभी हम लोग होटल के लिए निकले हैं, और होटल पहुंचने में कम से कम 3 घंटा लगेगा ही, 12 बजे तक होटल पहुंचेंगे। रास्ते में ही खाना खाना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग लास्ट टाइम जिस ढाबा पे रुक के खाना खाए थे, आज फिर से उसी ढाबा पे आ गए खाना खाने के लिए। फॉर्चुनेटली हम लोग फिर से उसी ढाबे पे आ गए जहाँ इससे पहले भी खाए थे हम। ऑफिसर से वार्ड अंडर कर रहा है, हम लोग 18 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं, अभी लौट रहे हैं। मतलब 3-6 घंटे तो हम लोग गाड़ी में गुजरता है। हिल टू डोल तो होटल तो पहुँच गए, सोचे थे मधेपुरा नया जिला है तो वहाँ थोड़ा घूमेंगे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घूमने का, कभी गया भी नहीं था मधेपुरा, तो सोचे थोड़ा घूमेंगे लेकिन टाइम नहीं मिला घूमने का। सो गाइस कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।